सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एफेट वर्ल्ड। मैं मनोज आज फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लाइव वीडियो में। जैसा कि आपने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने एक रक्षाबंधन पे एक क्ले मॉडलिंग का डेमो दिया था। उससे पहले मैंने एक एनिमल आपको बनाना सिखाया था। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ नया करेंगे, क्योंकि लास्ट आपको पता ही होगा मेरा बेसिक एक कोर्स चल रहा है फिलहाल। अगर आप सीखना चाहते हैं तो पुराने हमारे कुछ वीडियो हैं बहुत सारे, जो कि बेसिक से हमने स्टार्ट किए हैं। तो ये बेसिक का एक पार्ट है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैंने आपको ये एक एलिफेंट बनाना सिखाया था विदाउट आर्मेचर। आज की इस वीडियो में आपको एक काव बनाना सिखाऊंगा विदाउट आर्मेचर। तो आपको बने रहना है मेरे साथ। और चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में हमने ये किया था, तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ चीज़ें को एलिमेंट ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। सिंपल हमने बेस बनाया था जो हमको नॉर्मली हम बनाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। अगर आपके पास टाइम है तो उसमें और ज़्यादा आप डिटेलिंग करके और ज़्यादा रियलिस्टिक कर सकते हैं, बट जितना टाइम हम एक वीडियो में आपको बता सकते हैं हम उतना आपको बताते हैं, ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए। बाकी आपको जितना रियलिस्टिक करना, जितना फिनिश स्कल्पिंग करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। बट अब अगर आपको, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ तो मेरे पास टाइम एक लिमिट में होता है, तो इसलिए मैं आपको जितना हो सकता है एक शॉर्ट वे में और एक प्रॉपर जो मेजर जो हमारे पॉइंट है मैं उनको क्लियर करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो के दौरान या हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू स्कल्पचर, रिलेटेड टू क्ले मॉडलिंग, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम स्टार्टिंग में सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। तो दोस्तों, हमने बेस बना लिया है ऑलमोस्ट, इसे क्लियर कर लेते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं।
सो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे जो काव स्टार्ट की थी हमने क्ले मॉडलिंग ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दी है। तो आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने टाइम के अकॉर्डिंग जितना हमने हम कर सके उतना हमने किया है। आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ आउट टाइम को हमेशा फोकस करना है, जितना हो सके आउट लाइन आपको देखनी है ताकि आपको ये पता रहे कि ड्राइंग आपकी क्लियर है कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है आपकी जो स्टडी है, जो ड्राइंग आप करके पहले से रखोगे वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी ड्राइंग आपने अच्छे से नहीं करी हर एक एंगल से तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहीं पर आपने कहीं पर गलती कर दी और आपको उसका पता भी नहीं चलेगा। तो ड्राइंग अगर आपके पास होगी तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं बाद में कभी, और जितना हो सके आप उसमें रियलिस्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैंने सिर्फ आउटलाइन और मोटा मोटा जो उसका एनाटॉमी स्टडी है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, जिससे कि आप बेसिक चीज़ों को जान सके कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं ड्राइंग बिना आर्मेचर के, और कैसे हम सिर्फ फ्यूचर ज़्यादा डिटेलिंग ना करके भी हम उसमें एक करेक्टर निकाल सकते हैं जो भी आप बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एनिमल काव लिया है, आप कोई भी ह्यूमन फिगर ले सकते हैं या एनिमल स्टडी। हर एक का एक करेक्टर लाइन होगी, एक करेक्टर ड्राइंग होगी हर एक ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की, तो उसके रिकॉर्डिंग आपको अपनी क्ले मॉडलिंग करनी है। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी पे, आपकी बेसिक स्टडी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो आप हमारा बेसिक कोर्स जाके देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरे हमने क्ले मॉडलिंग का बेसिक कोर्स बनाया हुआ है, यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा क्ले मॉडलिंग के बारे में बताया है, तो आप वहाँ पर जाके भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।